करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ पुशअप्स। पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर हम बात करें पुशअप्स की, इसके अंदर ना सिर्फ हमारी चेस्ट बल्कि हमारे शोल्डर्स, हमारे ट्राइसेप्स और हमारे कोर, ये तीन मसल्स भी इम्पैक्ट होते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि पुशअप्स के अंदर हम ये फॉर्म लेके आते हैं। सो जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा सिर नीचे चला जाता है, या फिर पुशअप्स करते हैं हमारी बैक बेंड हो जाती है, या हम अपने एल्बोज को पूरा स्ट्रेट नहीं लेके आते, उनको लॉक नहीं करते। तो मैं पहले दो या तीन वर्जन दिखाऊंगा कि कैसे हम गलत करते हैं और चौथा उसका राइट फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम पुशअप्स का क्या राइट फॉर्म होना चाहिए। सो पहला गलत वर्जन है जब हम पुशअप के लिए नीचे जाते हैं ऐसे, ये बिल्कुल गलत फॉर्म है जिसके अंदर हम सिर को ले जाते हैं। ये भी गलत फॉर्म है अगर हम नीचे जाते हैं और कंप्लीट नीचे नहीं जाते, ये भी गलत फॉर्म है। नीचे से ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा सा ही ऊपर आ रहे हैं, ये भी गलत फॉर्म है। और एक और गलत आपको बताता हूं कि जिसमें गलत फॉर्मेशन होती है हमारे पुशअप्स की, तो हम अपनी बैक को भी बैंड कर लेते हैं। हम पूरा नीचे जाते हैं बट हमारी बैक बैंड रहती है, तो हमारी बैक बैंड नहीं रहनी चाहिए, हमारा एल्बो बैंड नहीं रहना चाहिए, हमारा कोर पूरा इंटैक्ट होना चाहिए, हमारा फेस ग्राउंड की तरफ होना चाहिए। तो अब हम वेरिएशन करते हैं कि इसका करेक्ट फॉर्म होगा क्या। हम प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, बॉडी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बॉडी आपकी, और नीचे जाएंगे और फिर से ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे और तो ये था हमारा पुशअप ट्यूटोरियल, कैसे हम अपने पुशअप को बेटर कर सकते हैं, उसका फॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।